अगर आपके मियाँ आपके साथ बेवफाई करते हैं इन केस, तो पर क्या करेंगी आप? मैं भी बेवफाई करूंगी, मैं भी वो जहाँ कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही बात अच्छी है मेरे हर जाय की। अब तो ये सीन है, पहले तो कंफर्म करूंगी कि वाकई की है, और उसके बाद फिर सीधा अटैक करूंगी और कत्ल ही करूंगी। बेस्ट हूँ मैं, बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो वापस मेरे पास ही आएगा, कभी नहीं माफ करना। लेकिन जैसी इसकी अभी करंटली हरकतें हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे बेवफाई करनी पड़ेगी। मैं शूट कर देना, किसी और के साथ भी नहीं रहना इन्होंने। नहीं, शादी करादा नहीं है, मैं कत्ल कर दूंगी इसको बस। कि पहले उनको एक दो मौके दूंगी, अगर तो वो समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज की वीडियो हस्बैंड और वाइफ के नाम, हस्बैंड वाइफ से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वाइफ से स्पेशली पूछेंगे कि अगर उसका मियाँ उसके साथ बेवफाई कर देता है तो वो किस हद तक जा सकती है। आइए देखते हैं कि ख़वातीन इसका कितना दिलचस्प जवाब देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया शादी को? 6 महीने। आपके हस्बैंड के साथ में? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपके मियाँ आपके साथ बेवफाई करते हैं इन केस, तो पर क्या करेंगी आप? मैं भी बेवफाई करूंगी, मैं भी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बेवफाई कर देते हैं तो आपको क्या लगता है क्या करेगी आपकी बीवी? ये सब्र करेगी, मेरे वफा का इंतजार करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इनकी वफा वापस आएगी? जी बिल्कुल आएगी, मेरे पास ही वापस आएगी। अच्छा नॉर्मली तो ऐसा नहीं ना होता कि अगर कोई बेवफाई मर्द कर देता है तो औरत तो फिर उसको? नहीं ऐसा नहीं होता, अक्सर मर्द वफादार होते हैं, ये लड़कियों की एक गलत इमेज होते हैं। जो अगर बेवफाई कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी बेवफाई करेंगे? नहीं मैं बेवफाई नहीं करूंगी, वो तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन मैं इनका ही इंतज़ार करूंगी। अच्छा, जी बिल्कुल। लगता है कि वापस आ जाएंगे? हाँ मुझे यकीन है वापस ही मेरे पास ही आएंगे। आप वापस आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। जाएंगे क्यों जब वापस आने का? बंदा जब घर से जाते तो घर में वापस आते। हाँ वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन किसी और के साथ आएंगे। असल बात इन्होंने अब कही है कि किसी और के साथ आएंगे, अगर ये किसी और के साथ आते हैं तो मैं भी इनके साथ ही वापस जाऊंगी। अच्छा ये सही है कि आप जो ना आपने पीछा नहीं छोड़ना, आपने इनके साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इनका। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये झूठ बोल रहे, मजाक कर रहे, ये बहुत मजा ही है। इनको लगता है ये मजाक कर रहे, सही लग रहा है? बिल्कुल ये सही कह रही है। आप कहें ठीक है, तुम सही कह रही है। बिल्कुल नहीं, ये सही कह रही है, क्योंकि ऐसे पता है ना कि मेरा शोहर वफादार है, तो ये इसलिए इस तरह कह रही है। मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? मेरी शादी को 25 साल। जी जी। इन केस आपके हस्बैंड आपके साथ बेवफाई कर जाते हैं तो क्या होगा? बेटा अभी तो मैं आपको बताऊं, बेवफाई तो उन्होंने बहुत की है, लेकिन मैं साबित कदम रही हूँ। अच्छा, आप तो बहुत, एक तो बेवफाई होता है, ये बेवफाइयाँ थी। अच्छा। और आप तो उनका ये हाल है कि वो जहाँ कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही बात अच्छी है मेरे हर जाय की। अब तो ये सीन है। अच्छा, वापस आ गए आपके पास सारी उम्र बेवफाइयाँ कर कर करके। बेवफाई में मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। मैं साबित कदम रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया है और मैं आज अपनी एक भरपूर फैमिली, 3 बेटियाँ 1 बेटा है के साथ ज़िंदगी इंजॉय कर रही हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे मियाँ बेवफाई करेंगे। वजह क्या होती है मर्दों की बेवफाई की, आपके मियाँ की क्या वजह थी, क्यों है वे जो है उन्हें ख्याल आ जाता है कि बेवफाई करते हैं बैठ? दरअसल बात यह है कि कुछ मर्द जो हैं वो नहीं करते, ज़्यादातर करते हैं, कुछ नहीं करते, ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारा जो है इधर का माहौल भी ऐसा है, आपको पता है ज़्यादातर। तो दूसरी बात यह है कि बेवफाई की चीज़ें उन्हें बाहर मिल जाती हैं ना, अगर उन्हें ना मिलें तो वो ना करें। बेवफाई वाली चीज़ें गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, शहरों में आम है, तो वो फिर कर लेते हैं। हाँ मैं भी तो एक औरत हूँ, जब मेरे मियाँ बेवफाई करते थे तो मैं भी उनसे कर सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं, मैंने कहा नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं अच्छा, आपको पता था सब कुछ कि आपके हस्बैंड जो? मुझे सब पता था, वो खुद भी आके बता देते थे, और उधर जिधर मेरा घर है ना उधर साथ ही उनकी शॉप थी, तो मुझे सारा पता चलता रहता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे मार कुटाई, गाली गलौज, जैसे कि मर्द बाहर बेवफाइयाँ करें, घर आएँ तो ऐसे ड्रामे करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी उन्होंने अपने रवैये से फील नहीं होने दिया कि बाहर कुछ गलत वो कर रहे हैं, मुझे खुद पता चल जाता था। लेकिन मुझे बताएं कोई बेवफाई की किस्म जो आपको याद रह गई होगी आपके हस्बैंड की? मुझे तो सारी याद है, कोई एक किस्म, ये तो ऐसी चीज़ होती है कि बीवी कब्र तक नहीं भूलती। अगर कोई बीवी भूल जाए तो फिर वो बहुत बड़े दिल की है।
मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक उनसे इस सिलसिले में लड़ाई भी नहीं की। अच्छा, मैंने कितना बड़ा दिल है आपका। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मैं बाहर ये सुन के आई हूँ, क्योंकि घर आके उन्होंने मुझे कभी फील नहीं ना कराया। मैंने अभी आपको शेर पढ़ के सुनाया था कि वो जहाँ कहीं भी होते हैं ना, वो अपने घर वापस आ जाते हैं, अपने बच्चों के पास, मेरे पास, अपनी फैमिली के पास। तो इसलिए मुझे उनकी बेवफाई नहीं लगती, क्योंकि ये तो ज़िंदगी के शुगल मिले हैं, वो करते हैं तो करने दें, कब तक करेंगे, वापस तो घर ही आएंगे ना। तो मुझे बताएं कि अगर कोई आपका होने वाला हस्बैंड आपके साथ बेवफाई करता है तो क्या करेंगे? जिनको पसंद करते हैं फिर उन्हीं के पास चले जाएं। तो फिर आपको क्या करते हैं? बस फिर वो उनकी मर्जी है ना। हाँ। कि अगर वो लॉयल हैं तो मुकम्मल तौर पर लॉयल हों, अगर नहीं है तो फिर जा नहीं, सकते हैं। नहीं, नहीं, अगर देखे शादी हो जाती है और शादी के बाद वो बेवफाई कर रहा है बंदा, कभी नहीं माफ करना। फिर वो अपने रास्ते में, अपने रास्ते इतनी आसानी से छोड़ नहीं ना सकते बंदे को। नहीं नहीं, वो जब कर सकते हैं तो मैं छोड़ भी सकती हूँ। डायरेक्ट छोड़ देंगी? तरसा के छोड़ेगी, खजल करके छोड़ेगी। इतना तो मैं भी जानता हूँ इसको। आपका क्या इरादा है बेवफाई? देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसी इसकी अभी करंटली हरकतें हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे बेवफाई करनी पड़ेगी। ये सब झूठ है। देखिए मैं कैमरे के सामने, आपके सामने, एक थर्ड पर्सन के सामने मैं झूठ तो ही ना बोल सकता। अगर मैं मजाक करता, झूठ बोलता, मैंने आपके साथ रखना था, इस तक रखना था, मैंने आपके साथ नहीं था बोलना। इनके कहने का कि इनकी हरकतें ऐसी हैं तो बेवफाई करनी है तो कोई बात नहीं, हरकतें तो हम सब की बदलती रहती हैं। क्यों? बिल्कुल। और ये सारा तुम कवर करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, अपने आपको कवर करें। क्या करना है तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये बंदा जो है ना वो आपके साथ बेवफाई करता है तो आपने डायरेक्ट जो है ना वो इन्हीं की गंद उठानी है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो मांगी हुई है। अच्छा। मैंने रख लेनी है आप पास। नहीं, अगर मैंने बेवफाई की ना तो मेरे से सॉरी कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको माफ़ कर दूंगा, और मैं वही बेवफाई ना 2x 4x करके कंटिन्यू कर लूँगा किसी और दो चार लड़कियों के साथ। और दो चार लड़कियाँ, ये कॉन्फिडेंस है इनका, जो इनको करने के बाद पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या होगा। आप तो नहीं रहेंगी फिर हैं? मैं शूट कर देना किसी और के साथ भी नहीं रहना। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम? सोनिया। सोनिया, मुझे बताओ कि अगर आपके फ्यूचर हस्बैंड आपके साथ बेवफाई करते हैं तो क्या करें? मैं तो ये कहूँगी कि पहले उनको एक दो मौके दूंगी, अगर तो वो समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर बस फिर अटैक करना बनता है। क्योंकि अगर वाइफ उनके साथ सिंसियर है तो फिर मैं नहीं समझती कि हस्बैंड बेवफाई करे। और अगर इन केस कर दे तो फिर बस ठुकाई बनती है? बस फिर ठुकाई भी बनती है और छोड़ देना बेहतर है, खामोशी ज़्यादा बेहतर है झगड़े से। अच्छा, नॉर्मली आपको क्या लगता है कि वाइफ्स क्या करती हैं? छोड़ देती हैं, खामोश रहती हैं? नहीं, घर तक पहुँच जाती हैं। घर तक पहुँच के फिर फाइट करती हैं। तो ये सही करती हैं आपको लगता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, ठीक है? दोनों के बैठ के बात हो सकती है, वैसे मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए ना, क्योंकि लोग फिर आसपास के लोग फिर देखते हैं, यार वो देखो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा? नहीं। शादी का इरादा? जी जाहिर है। अच्छा, मुझे बताएं इनकी शादी का इरादा जरा इनसे पूछना। अगर आपके होने वाले हस्बैंड आपसे बेवफाई कर देते हैं इनकेस, तो क्या करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पहले तो कंफर्म करूंगी कि वाकई की है, और उसके बाद फिर सीधा अटैक करूंगी और कत्ल ही करूंगी। इनका इरादा है डायरेक्ट कत्ल का? डायरेक्ट कत्ल कर, कोई मतलब थोड़ी हल्की फुल्की सजा दी जा सकती है या डायरेक्ट कत्ल? नहीं, इसके तो कोई चांसेस ही नहीं है ना, क्यों करे? हाँ क्यों करे? कोई किसी सूरत जो है वो आप माफ़ नहीं करी बंदे को? नहीं। क्या नाम है आपका? फरवा। फरवा, मुझे बताओ कि कमिटेड हो, शादी का कोई इरादा है? हाँ, शादी का इरादा है इंशाल्लाह जी। अच्छा, इनकी शादी का इरादा है। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा हो, खुल छड़े और आ रहा हो किसी और के साथ, तो क्या करोगी ज़्यादा से ज़्यादा? मैं क्या करूँगी, अलहदा हो जाऊँगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये पता है कि वो वापस मेरे पास ही आएगा। क्यों तुम्हें इतना यकीन? क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि औरतें जो होती हैं वो वफादार होती हैं, इसलिए औरतें वफादार जी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जो बेस्ट हूँ मैं? अच्छा। बिल्कुल, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे। अच्छा। इन्हें इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा, मगर अलहदा तो आप हो जाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा कि मतलब कि आएगा? बिल्कुल हाँ, अलग हो जाऊंगी ना, उसे निकाल दूंगी तो यही होगा गुस्सा। क्या आप मतलब क्या दिल करेगा, एक तो अलहदा हो जाओगी और फिर गुस्सा भी तो आता है शदीद इंसान को, आता है, बस रब्ता ख़त्म कर दूंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो वापस मेरे पास ही आएगा। हेलो नेहा। हाय, कैसे?
I'm good. How are you? I'm fine. And you? Alhamdulillah. अच्छा मुझे वहाँ बताओ कि शादी का इरादा है? अभी तो आप स्टूडेंट हो, वैसे शादी का इरादा है? नहीं, शादी का इरादा नहीं है, क्योंकि लाइफ में हम इधर आए हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें। देखिए, हर कोई शादी कर लेता है, ठीक है, पढ़ के, तो ऐसे तो नहीं। हाँ जी, नहीं, इंसान पढ़े, ठीक है, अपनी लाइफ भी इंजॉय करे और अपनी जॉब वगैरह भी रखे, लेकिन शादी करे, लेकिन थोड़ी लेट। चलो, जब भी तुम शादी करोगी तो आपको क्या लगता है, अगर फ्यूचर हस्बैंड जो आपका होगा वो बेवफाई अगर कर देता है तो क्या करोगी? बेवफाई तो मैं कत्ल कर दूंगी इसको, बस।